और जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। माननीय ओम जी भाई साहब को पुनः जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताज्जुब होगा आज गाड़ियों में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है खान सूरजापुर। आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था उस समय, हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई। और मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा, उसमें आपका सानिध्य मिला। उसके बाद 1994 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपको सबसे बड़ा टास्क मिला था एटार इटावा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी मां चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह जी का दबदबा था मां, उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। वहां आपके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं कह सकता हूं कि आपने जिस तरह से एक विचार को लेकर के एक अपनी संस्कृति और विचार को लेकर के आपने जीवन भर जिस तरह से काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपने ऊंचाइयों को छुआ है। हमने देखा है कि आप गुजरात के प्रभारी और लगातार कभी झारखंड के प्रभारी, कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जहां आप प्रभारी रहे एक दो जगह को छोड़ करके, बाकी आपने सानिध्य में काम करने का मौका हमें मिला है। मैं कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सबसे एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वास्तव में एक छोटे से गांव में जिन महानुभाव ने जन्म लिया और निरंतर संघर्ष करके, परिश्रम करके, दृढ़ता के साथ अनुशासित सिपाही की तरह जिन्होंने काम किया, अटल जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय आडवाणी जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी के साथ इन्होंने काम किया, और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी, और आज हमारे हिंदुस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मित्रवत व्यवहार करके, कंधे से कंधा लगा करके देश के विकास में जो भागीदारी निभा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था, मुझे पता है, कि मेरे पास में यदि 10 ओम माथुर जी मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की क्या दुनिया की फिजा बदल सकता हूं। ऐसे आदरणीय ओम जी भाई साहब, हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरा राजस्थान का हमारा संगठन और आम नागरिक
आज इस नागरिक अभिनंदन के तहत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप खूब प्रगति करें, खूब फलें फूलें, देश को नेतृत्व दें और आपको जहां पर जिस मोर्चे पर लगाया है वहां पर चीन की सीमाएं जुड़ रही है। जहां डोकलाम हुआ वो आपके बहुत निकट है वो स्थान, और मैं सोचता हूं कि सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा हवाई पट्टी आपके पास में है, जहां चीन के साथ में हमारा वहां का नौजवान संघर्ष करता है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कहकर आपको भी प्रहरी के नाते वहां पर भेजा है, ताकि आप वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं आप देखेंगे। आपको इसीलिए लगाया गया है कि वहां पर आपकी चाक चौबंद आपकी दृष्टि, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार का अप्रिय हो आप तुरंत देश की ओम जी भाई साहब का मैं हम सब की ओर से यहाँ स्वागत करना चाहूंगी और मैं साथ साथ उनका अभिनंदन भी यहाँ करना चाहूंगी। ये आपकी योग्यता का परिणाम है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिली है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम लोग तो है ही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने यहां तक ले जाने का काम किया, और हम उनको आभार देना चाहते हैं, हम सब की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको राज्यपाल बनाने का काम हम सब की यहां आपका काम देख करके वहां तक ले जाने का काम किया है। आपकी राजनीतिक जीवन है पूरी तरह से कामयाबी रही। अब तो एक एक करके सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियां सबके सामने रखने का काम किया है। भाई साहब मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी कहानियां नहीं है, मुझे मालूम है कि बहुत ओम जी ने वाजी शुरुआत की, मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा, अब भी है, मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी रहेगा, लेकिन वो इसलिए रहेगा कि सिक्किम बहुत बढ़िया प्रदेश है। आप जाओगे ना तो वहां का माननीय राज्यपाल महोदय, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा लेकिन राजभवन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो राजभवन का खर्चा भी बढ़ेगा, हम सब वहां पर जाएंगे। तो मोम जी के साथ 12 साल तक लगातार एक त्रिभुज के रूप में काम करने का अवसर मिला।